नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, हूँ आपके साथ बुशरा। बीजापुर से बड़ी खबर की सबसे पहले बात कर रहे हैं। दरअसल बीजापुर में एनएच पर दर्दनाक हादसा हुआ और सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात बीजापुर से रायपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। कोंडा गांव के पास दही कोंगा में दो वाहनों की भिड़ंत हुई। मौके पर ही पति पत्नी और दो बच्चों की मौत हो गई। बीजापुर जिले के बोरजे के रहने वाले काबरे पेंटा का परिवार बताया जा रहा है। कोतापाल में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। मृतक बोरजे गांव पे सन्नाटा पसर गया। शवों को लाने की तैयारी हो रही है। जसपुर कलेक्टर महादेव काबरे के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। तो वाहन को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरीके से भिड़ंत हुई होगी। पूरी तरीके से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें मौजूद सवार पति पत्नी और बच्ची की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संस्था पवन दुर्गम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पवन, हादसा कैसे हुआ? जी आपको बता दूं, ये पूरा परिवार जो है रायपुर इलाज के लिए गया हुआ था, वहां से लौट रहा था। जहां कोंडा गांव के पास में जो दही कोंगा है, वहां पे जो दो वाहनों में भिड़ंत हो गई है। वाहन में कुल पांच लोग सवार थे, जिसमें से एक जो है उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक ही परिवार के जो चार लोग हैं उनकी मौत हो गई, जिसमें दो बेटे हैं, पति पत्नी दो हैं। दरअसल वो रहने वाले यहाँ बोरजे के हैं, जो कोतापाल में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। उनकी मौत से जो गांव में है वो मातम पसरा हुआ है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उनका जो पीएम है वो कोंडा गांव में करने की सूचना मिल रही है, जिसके बाद शव को यहाँ पर उनके गृहग्राम लाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन।